गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये चैप्टर 4 चल रहा है और चैप्टर 4 में वेक्टर चल रहा है। वेक्टर में हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं और वेक्टर एडिशन में हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला यानी मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला और डायरेक्शंस के लिए भी फार्मूला प्राप्त कर लिया था और उस पर बेस्ड HW होमवर्क दिया था न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो आई होप हमको पता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल बना लिए होंगे। चलिए देखिए, 7 केस था। केस फर्स्ट में क्या था, फोर्स कितना था, 3 न्यूटन, और F2 कितना था आपका, 4 न्यूटन था। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री था। आपको R निकालना था क्या होगा और अल्फा निकालना है डायरेक्शंस क्या होगा। नहीं, अगर इसका फिगर की बात करें तो इसका फिगर इस तरह से बना सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, एक फोर्स है ये F1 इज इक्वल टू 3 न्यूटन और दूसरा फोर्स है ये F2 इज इक्वल टू कितना, 4 न्यूटन। नहीं, तो ये दो फोर्स है आपके पास, इसका रिजल्टेंट ये हुआ, इसी को हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं या इसी का नाम है F1 प्लस F2। क्या नाम है इसका, F1 प्लस F2। दोनों कितने डिग्री एंगल पर है, ये एंगल बताएगा, ये 30 डिग्री पर है। तो ये R है क्या, ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू अगल कॉस थीटा। चलिए, R इज इक्वल टू रूट अंडर अगल में कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस बगल में कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 कॉस थीटा, मतलब 30 डिग्री। इसलिए R इज इक्वल टू रूट अंडर 9 + 16 + 24 कॉस 60 डिग्री। 30 का मान √3/2 कट जाएगा तो 12। इसलिए R इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, 16 × 25 + 12 √3। इसलिए R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √125 + 12 √3 का वैल्यू 1.7। R इज इक्वल टू रूट अंडर 25 + 204 = 20.4 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू 45.4। ओके, इसलिए R का लगभग मोबाइल से रूट निकालना या अपने से आंसर यही आ गया, लेकिन कैलकुलेशंस के हिसाब से ये आएगा 6.7 न्यूटन। कितना आएगा, लगाए थे कितना, 3 और 4 कितना, 7 न्यूटन, लेकिन रिजल्ट कितना मिला, मात्र 6.7, 0.3 न्यूटन बर्बाद हो गया। ठीक है, यह ट्रेंगल लॉ है, हेड और टेल जुटा है, हेड प्लस क्या है, टेल, ये ट्रेंगल लॉ है। इसी चीज को आप ये करें अगर, तो ध्यान से देखिए, धक्का मार रहा है, धक्का मारने के बजाय खींचे तो एक ही बात है। ये अगर F1 इज इक्वल टू है 3 न्यूटन और ये है F2 इज इक्वल टू कितना, 4 न्यूटन। कितना है, F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब देखिए, इस चीज को उठा के यहाँ लाए, कोई दिक्कत, और यहाँ से ये मिला दीजिए, इस तरह से भी बना सकते हैं। नहीं, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पैरेललोग्राम। यहाँ से भी रिजल्ट निकालते हैं, ऐसा भी फिगर बना सकते हैं, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, चाहिए फिगर बनाइए, चाहिए जो बनाना है आप बना सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट निकल गया, क्या निकल गया, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकला है, क्या निकला ये, मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शंस निकाल लेंगे, मतलब अल्फा निकालने के लिए कह रहा है, अल्फा इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ओके, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, b का वैल्यू कितना है बताइए, b मतलब बगल, बगल में कितना है, 4, इसीलिए हम अगल बगल आपको सिखाए, नहीं अगल में है ये और ये बगल में है, बगल में कितना है, 4। sin थीटा का वैल्यू कितना,
थीटा बोलो ना यहाँ 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और कॉस 30, कॉस 30 डिग्री, और इस तरह से अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4 साइन 30 का वैल्यू 1/2 और इधर 3 प्लस 4 कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये कट जाएगा दो बार में, ये कट जाएगा दो बार में, इस तरह से अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स और बचा 2 + 3 + 2 √3, √3 का वैल्यू 1.7, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ देंगे, जहाँ तक सॉल्व हुआ हुआ, नहीं तो छोड़ देंगे, आंसर सही है वो भी, लेकिन हम कर रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/3 + 17 = 34 3.4, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 10 इनवर्स 2/3 × 6 6.4। ओके, पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 कटा देंगे, 2 × 20 = 32, इसको कटाएंगे 16, इसको कटाएंगे 5, इसलिए अल्फा बराबर कितना आया 10 इनवर्स 5/16। कोई दिक्कत, ये जो निकला ये डायरेक्शन निकल गया, क्या निकला ये डायरेक्शन, लिखिए फटाक से, जल्दी से इसे नोट कीजिए। तो ये आपका केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड मिटाता हूं इसको, केस सेकंड अगर बनाएं हम इसी में, उसके बाद बाकी आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है, मेहनत करना है, तो कहीं मल्टी गुना भाग में गलती की होंगे। चलिए, केस सेकंड में आपका थीटा कितना था 60 डिग्री, कितना था 60 डिग्री, सेम चीज है, आप इस पे पुट पाट कीजिएगा और आंसर आएगा, फिर केस थर्ड बनाइएगा, सारा केस बनाइएगा, आप हो सकता है भूल सकते हैं कि साइन ये कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आंसर है 1, इसको लिख लीजिएगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आंसर है -1। फिर देखिए इधर, साइन 0 डिग्री का 0, कॉस 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2, ठीक है, फिर साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0, कितना होता है 0, ये यूज होगा वो सारे सवाल बनाने में, ये यूज होगा, अब बना भी दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत तो आपको करना ही है, नहीं करने का मन है मेहनत तो हमको छोड़ दीजिए, तब फायदा नहीं करेगा। आपको बिना मेहनत किए मैं विद्वान नहीं बना सकता हूं। तो ये एक बेसिक सवाल दिए थे और इसमें एकदम वैरायटी था, सारा आपसे बन जाएगा, एक सवाल नहीं 7 सवाल था। अब थोड़ा सा दूसरे पैटर्न पर, जो जनरल ये बोर्ड मॉडल सवाल था, ठीक है, नीट और जेई के लिए कुछ स्पेशल सवाल, हाई लेवल का लैंग्वेज में लिखा लिखा रहता है, लेकिन हम कम समय में
सारे का फिगर बना बना के देंगे, आपको रिजल्ट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन से लिखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी कहेंगे दिए गए चित्र में परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करें, ठीक है। परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करें। आपको हम फिगर क्वेश्चंस दे रहे हैं। पहला नंबर देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, समझते जाना है। ये पहला वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, कोई दिक्कत। ए आपको है 3 मीटर, फोर्स नो डिस्प्लेसमेंट विद वेक्टर है, कुछ होगा ये 3 मीटर, और ये बी जो है ये आपको है 4 मीटर, कितना है, और ये एंगल आपके पास है 30 डिग्री, कितना डिग्री, तब रिजल्टेंट निकालना है, निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत। कैसे करेंगे, इस तरह से, फिर यहाँ से निकल जाएगा। सेकेंड नंबर आपके पास यही है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पहला वेक्टर है ये ए इज इक्वल टू 3 मीटर और ये है आपके पास 20 डिग्री, कितना है 20 डिग्री, और ये दिया हुआ है आपको 80 डिग्री, कितना है ये 80 डिग्री। ये है वेक्टर बी आपको 4 मीटर, कितना है, बताइए एंगल कौन सा होगा। देखो ये डॉट लाइन दिया नहीं रहेगा, हम तुमको दे दिए, ये है एंगल 80 में 20 माइनस होगा तो कितना एंगल है 60 डिग्री, कितना है, ये डॉट दे दिए, ये दिया नहीं रहेगा, अगल बगल के बीच का एंगल लेना है, मतलब ये एंगल लेना है, कोई दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, कोई वेक्टर है ये ए जो वाई एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है और दूसरा वेक्टर है ये है 2 या 3 मानते हैं, चलिए ये भी 45 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर, और ये है ए और ये ए है 3 न्यूटन और ये बी जो है ये है 4 न्यूटन, निकल जाएगा रिजल्ट। एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा नहीं, तो ये थर्ड नंबर हो गया। ये फोर्थ नंबर अब रहा आपके पास, ये देखिएगा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, ये है वेक्टर ए 3 न्यूटन और ये है वेक्टर बी 4 न्यूटन, ये है वेक्टर वेक्टर बी है, ये है 4 न्यूटन, कोई दिक्कत है। ये एंगल दिया है 30 डिग्री, कितना है, आपको निकालना है रिजल्टेंट, तो एंगल कौन सा होगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से 5 नंबर सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, नहीं सब लैंग्वेज में लच्छेदार शब्दों में लिखा रहता है, ठीक है, बड़ा बड़ा एक तो बनाइएगा तो बड़ा ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा, जैसे इसी के बारे में लिखा है, इसी के बारे में
ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंड सेकेंड फोर्स इज एक्टिंग सेकेंड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन विच इज एक्टिंग अलोंग 30 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस ऑन द सेम बॉडी देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन. ये सब कहानी लिखा रहता है नहीं, ये समय बचाने के लिए ये सब काम किए हुए हैं. ये देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. कोई दिक्कत? एक वेक्टर इधर लग रहा है आपका, ये है 45 डिग्री से झुका हुआ है, -45 वाई एक्सिस से. कोई दिक्कत? ये एंगल दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है आपका 3 मीटर. ओके, उसके बाद ये दूसरा वेक्टर है ये बी, दूसरा वेक्टर है ये बी 4 न्यूटन. कितना है? 4 न्यूटन, जो कि यहाँ से जो एंगल बना रहा है ये 135 डिग्री बना रहा है. कितना बना रहा है? 135 डिग्री. आपको रिजल्ट निकालना है इसके और इसके बीच अगल और बगल, यानी आपके पास यह एंगल चाहिए. कोई दिक्कत? आंसर जो बनाइएगा पहला सवाल का वही डाटा दे रहे हैं, ताकि कैलकुलेशंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. आंसर वो दो उसका जो आ रहा था वही आएगा इसका, लेकिन ये नया दूसरा फिजिक्स है. समझ में रखने, यानी फिजिक्स सिखाने को प्रयास में है. छठा नंबर, 180 भी हो गया. अब बनाइएगा कि ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस. कोई दिक्कत? पहला वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है. कितना है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ए इज इक्वल टू 3 मीटर. और दूसरा वेक्टर जो है वाई एक्सिस से 180 डिग्री बना रहा है. कितना बना रहा है वाई एक्सिस से? 180 डिग्री बना रहा है. बी 4 मीटर है. समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये 0 डिग्री पर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा वाई एक्सिस से 180 डिग्री पर है, तब इसका निकालना है. इस बार एंगल कौन सा होगा? ये एंगल. ये कितना होगा? 90, 180 मतलब 270. कितना? कहिएगा सर ये एंगल लेंगे, ये एंगल है 90, ये एंगल है 270. ध्यान से देखिए 200, तो आप जो R इज इक्वल टू जो पुट कीजिएगा रूट अंडर अगल का स्क्वायर प्लस बगल का प्लस डबल इंटू अगल इंटू बगल कॉस थीटा. ए बी सब तो नहीं बदल रहा है, डिपेंड करता है एंगल. अगर 0 डिग्री रहता 0 फुट करते हैं, 270 है 270 फुट करेंगे और 90 है तो 90 फुट करेंगे. तो आप बच्चा कन्फ्यूज करता है कौन सा एंगल ले, ये वाला ले कि ये वाला ले. किसके बीच का होता है? अगल और बगल के बीच का एंगल. सर अगल और बगल के बीच टेल टेल तो है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो कौन सा लेंगे? 270 लेंगे कि 90? बोलो जल्दी से. दोनों ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हो. तो क्या आंसर सर सेम आएगा? हाँ सेम आएगा. वो आपको नहीं सोचना, मैं तो अपने लिए रेंज किया हुआ है. कॉस 90 का मान भी 0 होता है, कॉस 270 का भी 0 ही होता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिस हो रहा है. आपको आप सीधा डिसाइड करते हैं अगल और बगल के बीच का एंगल जो है वही दो वेक्टर का एंगल होता है. अगल बगल का इसे कब देखेंगे? जब टेल टेल सटा होगा. नहीं होगा तो सटाएंगे, या हेड हेड सटा होगा, नहीं होगा तो सटाएंगे. तो इस तरह से आप इसको नोट कीजिए, नोट करके एक आध को बना के हमें दिखाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. जल्दी से इसको नोट कीजिए और बना के दिखाइए इसको. आई होप
आपसे ये बन जाएगा, हम ऐसा मान रहे हैं और आप बना भी सकते हैं, ठीक है। एक आध को बना के दिखाते हैं। ये रहा एच डब्ल्यू, ये आपका क्या है एच डब्ल्यू, आपको कौन सा बना दें, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, कौन सा बताए, कोई भी इसी को बताते हैं। ये है बी को फटाक से उठा के लाएंगे, यहां से ये मिला देंगे, यही हो जाएगा आर, बस आर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आर का यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू अगल इंटू बगल कॉस थीटा, ठीक है। और आर अगल में कितना है आपका, थ्री है, थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर कॉस कितना डिग्री, थर्टी, कितना डिग्री है, थर्टी डिग्री। इसलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस 30 का वैल्यू रूट 3 बाई 2, ये कट जाएगा 12 बार में, इसीलिए ये हो जाएगा 16 9 25, ये दोनों जुट गया। और इधर आ जाएगा प्लस 12 रूट 3, तो आपका R इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर 25 प्लस 12 रूट 3 का वैल्यू 1.7। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 प्लस बरसत रहा 204 20.4, इसलिए R इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 20 45.4, कितना हो जाएगा 45.4। और ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा, रूट मोबाइल से निकाल लेना या इसे निकालना, 6.7 न्यूटन। ये आपका निकल गया मैग्नीट्यूड, क्या निकलेगा, ये मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत। अब डायरेक्शंस, डायरेक्शंस आप ये एंगल बताते हैं, इसका लिए फार्मूला है अल्फा, नहीं समझे, कोई दिक्कत। तो अब फॉर डायरेक्शंस के लिए आप यहां पर अल्फा बराबर टेन इनवर्स, नहीं मतलब बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अगर कहेगा एक्स एक्सिस से कितना है, क्या कहेगा, एक्स एक्सिस से डायरेक्शंस क्या है, कोई दिक्कत, तब ये निकालना पड़ेगा ये एंगल कितना है, कोई दिक्कत। लेकिन अभी कह रहा है डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस के लिए ये निकाल दिए, ए से इतना एंगल पर, कोई दिक्कत। तो नोट कर लीजिए इसको, समझ गए ना, इस तरह से सब चीज को प्रैक्टिस आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मिटा दूं इसको, एक क्वेश्चन देते हैं तब बना के दिखाइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। डायरेक्ट गिवन करके क्वेश्चंस दे रहे हैं, लैंग्वेज में रहेगा। आपके पास वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 न्यूटन है, वेक्टर बी इज इक्वल टू आपके पास 4 न्यूटन है, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, कितना है, आप आर निकालिए, निकालो। देखिए ये टाइप वन सवाल हो गया, टाइप फर्स्ट लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है, बोर्ड मॉडल है ये सब, टाइप फर्स्ट, फटाक से निकालिए, फटाक से निकल जाएगा ये आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट अंडर, आपके पास फटाक से आ जाएगा 9 प्लस 16
प्लस 24 कॉस 61 बाई 2 कट जाएगा तो 12, तो रूट अंडर 16 नौ 25 12 37 रूट 37, और 37 का जब वर्गमूल निकालेंगे 6.08 न्यूटन आएगा। कितना आएगा? 6.08 न्यूटन। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें से ऐसा ही सवाल रहता है, ठीक है, ए बी एंगल दिया रहेगा, रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड कहेगा तो इस तरह से, ज़्यादातर मैग्नीट्यूड पूछता है, डायरेक्शन पूछेगा तो आपको पता है अल्फा बराबर बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए टाइप टू में इस तरह से रहेगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 न्यूटन या जो भी हो, मानो मीटर दे दिए, वेक्टर बी इज इक्वल टू आपके पास है 4 मीटर और रिजल्टेंट दे दिए रूट 37 है। कितना है रूट 37 है, तो बताइए एंगल क्या होगा, कितना होगा? ये टाइप टू, इस बार एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इस बार? एंगल निकालिए, निकाल के दिखाइए, देखिए एंगल आप यही फार्मूला लगाइएगा, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या होता है, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू अगल इंटू बगल कॉस थीटा। कोई दिक्कत? देखिए अगल कितना है रूट 37, कितना है रूट 37, रूट अंडर अगल मतलब 3 का स्क्वायर बगल मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। कोई दिक्कत? बताइए बोथ साइड स्क्वायरिंग दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग कर दो रूट 37 का स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर देंगे 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा, इधर भी क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 37 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा। कोई दिक्कत? इसलिए 37 इज इक्वल टू 16 नौ 25 प्लस 24 कॉस थीटा। कोई दिक्कत? रूट और स्क्वायर खत्म, स्क्वायर और रूट खत्म ना हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब ये 25 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इसलिए 37 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, इसलिए इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा, इसलिए 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 12, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई 24 है, कट जाएगा तो 1 बाई 2, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2। 1 बाई 2 कब होता है बताइए, 1 बाई 2 बताए ना, कॉस 60 डिग्री होता है, 60 खत्म, तो थीटा विल बी 60 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से टाइप 2 रहेगा, अगल बगल रिजल्टेंट देगा, एंगल पूछ देगा आपको, तो आप इस तरह से बनाएंगे। आई होप फर्स्ट नंबर लिख लिया था पहला। अब टाइप थर्ड बताते हैं आपको, सब लैंग्वेज में रहता है, आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप थर्ड इसका सवाल कैसा रहता है, आपको ए क्या होगा निकालना है, ठीक है, बी दिया रहेगा 4 मीटर है, आर आपके पास रूट 37 है, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, कितना है, तो आपको ए निकालना है। कोई दिक्कत? आप यही फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, आर इज इक्वल टू रूट अंडर अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू अगल कॉस थीटा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो R का वैल्यू आप लिखिएगा रूट 37, कोई दिक्कत, रूट अंडर A का स्क्वायर, A तो पता नहीं है,
बगल में आपका फोर है, फोर का स्क्वायर टू इंटू ए इंटू फोर कॉस थीटा, थीटा विल बी 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। देखिए दोनों साइड वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो रूट रूट खत्म हो जाता है कि नहीं? इसीलिए ऐसा भी होता है कि रूट रूट काट भी सकते हैं आप, ठीक है? तो वही हुआ, वर्ग किए तो गया। अब 37 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 दो 8 ए कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ये कट जाएगा तो 4। इसलिए 37 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 ए प्लस 4 ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 37 ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 ए, कहीं कोई दिक्कत बा नहीं ना? इसलिए इसको घटाइए, घटाइएगा तो 1 और 2 में 1, 11 है, 11 होगा, 21 कितना जाएगा? 21 ए स्क्वायर प्लस 4 ए। अब बताइए पूरे को इधर लेके चले आइए, ए स्क्वायर प्लस 4 ए इजिकल टू 21, इसलिए ए स्क्वायर प्लस 4 ए, ये प्लस है तो माइनस 21 इजिकल टू 0, गुणनखंड बन गया, ये दो वैल्यू आएगा ना, एक का जो पॉजिटिव आएगा वो आंसर होगा, जो पॉजिटिव नहीं आएगा वो आंसर नहीं होगा। ये ए का वैल्यू निकल जाएगा इससे 3, ये बना लिया, लिखे नहीं है तो लिखो। इस तरह से ये टाइप 2 हो गया और ये टाइप 3। जल्दी लिखिए, तो ये हो गया। अब देखिए टाइप 3, यही सब क्वेश्चन जब रहता है ना बच्चा, चूंकि लैंग्वेज में रहेगा फिर इस तरह से उसको लगता है बाप रे ऐसा सीखे ही नहीं, उसको भारी लगने लगता है, जो बच्चा कमजोर है। यहाँ तक हो गया, अब ये गुणनखंड बनाने के लिए आता ही होगा, ए स्क्वायर 4 ए है तो इसको पे लिख सकते हैं 7a - 3a -21 इक्वल टू 0। सात 21 4 हो जाएगा ना, हैं? फैक्टर किए इसलिए ए स्क्वायर। अब देखिए आप यहां पर ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए कितना बचेगा, ए प्लस 7 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसलिए ये कॉमन आ जाएगा फिर से ए प्लस 7 फिर a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक बार a प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और एक बार a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए a इज इक्वल टू माइनस 7 मीटर और a इज इक्वल टू माइनस प्लस 3। तो बताइए दो आंसर आया a का, ये नॉट पॉसिबल। अब मैथ में समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉसिबल, अभी तुरंत आपको पता था आंसर तो 3 आएगा ही, आया भी, आया कि नहीं, लेकिन मैथ यूज हुआ। आ क्यों मैथ में छोड़ देते थे निगेटिव, अब पता चला वो हकीकत में होता ही नहीं है। यहाँ तुमको फिजिक्स में जो मैथ होगा ना वो दिखेगा आपको सब चीज क्या निकल रहा है, क्यों वो सीखते थे एक्स स्क्वायर फलना फलना रहता है उसको गुणनखंड करें क्या निकालते थे उससे, ये सब फिजिक्स पढ़ने के लिए ही तो सीखते थे पहले, नहीं समझे? तो एक फिजिस्ट जो है वो मैथमेटिशियंस होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक फिजिस्ट जो है वो मैथमेटिशियंस होता है, वो मैथमेटिशियंस मैथ जो पढ़ता है ना उससे भी बड़ा मैथमेटिशियंस होता है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको मैथ यूज करने के लिए आता है, जानेगा तब ना यूज करेगा, समझ में आ रहा है ना? मैथ में क्या जानना, जान गए तो हो गया, यूज करने नहीं, इसमें यूज करना है तो जानेंगे तभी ना यूज करेंगे, तो इसीलिए यह मैथ को फीलिंग्स भी करता है फिजिक्स, इसीलिए यह क्या होगा पॉसिबल, ये संभव है।
इसलिए ए का वैल्यू कितना आ गया, 3 मीटर है या न्यूटन जो भी हो मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो डिफरेंट वैरायटी का न्यूमेरिकल सबके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए कल पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग जो फिगर बनाते हैं टेल टेल जोड़ के, नहीं वो पैरेललोग्राम ही होते हैं, बस उसको फॉर्मेलिटी करेंगे। ओके।